सारे आंकड़े ले लो, करके दिखाओ, जाति जनगणना आर्थिक सर्वे करके दिखाओ, पता तो चले किसके हिस्से में गया, किसकी जनसंख्या कितनी है, उसे मिल कितना गया, उसके बाद आके कर लेना सब क्लासिफिकेशन, हम भी तैयार है। इसने बना दिया लोगों ने, दादा जज, बाप जज, बेटा जज, ये क्लासिफिकेशन यहाँ भी कर दो कि एक परिवार से एक आ गया तो दोबारा दूसरा नहीं आएगा, वहां 250-300 परिवार ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते जा रहे। तो ये दो तरह की नीति चलने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऑफ पॉलिटिक्स में जेल में डाल सकते हो, हम ये जेल से नहीं डरते, हम अपने दलित पिछड़ा आदिवासी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, हम डरने वाले लोग नहीं है। कंटेंट ऑफ पॉलिटिक्स को 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तुम 6 साल जेल में रखो, आप हमें जेल में रख सकते हो, हमें गोली समा सकते हो, हमारे विचार को नहीं मार सकते, हमारा विचार जिंदा भी रहेगा, आगे भी बढ़ेगा, आज नहीं तो कल, ऐसे जातिवादी लोगों को सबक सिखाया जाएगा। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार एक हमारे आईएएस ऑफिसर थे माता प्रसाद, उनका नंबर आया कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का, पहली बार भारत के इतिहास में। आपको जान के ताज्जुब होगा, उस वक्त की सरकार ने जो कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायर हुआ था उसको एक्सटेंशन दे दी 6 महीने की, उधर उसके 6 महीने बढ़ा दिए, इधर 6 महीने में माता प्रसाद रिटायर कर गए। किस हद तक ये जातिवादी लोग षड्यंत्र करते हैं, और हमारे ही अपने एक वकील, हमारी वकीलों की टीम थी जिसको हम लोगों ने मिलकर बनाया था SC ST एडवोकेट एसोसिएशन, तो हमारे साथियों ने आई कैट में केस डाला कि ये गलत एक्सटेंशन दिया 6 महीने का कैबिनेट सेक्रेटरी को, कैट ने उसमें स्टे कर दिया, केंद्र सरकार हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट ने उस स्टे को वैकेट कर दिया। वही कोर्ट के जज जब दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का मुद्दा आता है तो उनके चक्षु खुल जाते हैं, लेकिन जहां दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों की हकमारी होती है वहीं वो जज सो जाते हैं। जब किसी मुस्लिम की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की जमानत का मुद्दा आता है तो एक लाइन लिखी जाती है, द ऑफेंस इज ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर, देयर इज एवरी एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, हेंस आई डिक्लाइन टू ग्रांट बेल। लेकिन जब मुद्दा किसी स्वर्ण जाति का आता है तो आता क्या लिखते हैं, 3 लाइन, इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, देर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, हेंस आई ग्रांट बेल, आई इंक्लाइन टू ग्रांट बेल। यानी सोच का फर्क है, जिसको मना करना मना कर दो, जिसको देना दे दो, डिस्क्रेशन आपकी है। तो जब आप ही का जुडिशियस कैरेक्टर नहीं है, आप ही लोगों को देखो आपने देखा होगा 2020 में मार्च के महीने में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, सबको पता दंगे कराने वाला कितना बड़ा नेता है, जो आज भी भारत सरकार में सबसे बड़ा मंत्री है, दंगे करवाने के पीछे वो दंगे करवाए सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बाहर से बुला के, और उन दंगों में जो गिरफ्तार हुए लोगों में ज्यादातर आपको जानते ताज्जुब होगा दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग हैं, और जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम समाज के हाईली एजुकेटेड जो अपने लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं वो 4-4 साल से जमानत का ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही, जमानत नहीं हो रही। लेकिन जिन लोगों ने जाके आग भड़काई, दंगे भड़काने का भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए, वो लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, पुलिस ने भी मना कर दिया दर्ज करने से, और जब कुछ लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी मुकदमा दर्ज करने की डायरेक्शन से मना कर दिया, और कह रहे हैं भैया जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? आप अगर कोर्ट में बैठ के भी जातिवाद खुलेआम कर रहे हो तो न्याय की उम्मीद किससे करें? ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल जजमेंट है।
ये राजनीतिक जजमेंट है, ये आपको पूरी तरह खत्म करने की जजमेंट है। वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी तो जो जितना परसेंट रिजर्वेशन हमारा है अभी तो वही नहीं दिया जा रहा, और जहां काबिल आदमी है वहां लिख देते हैं नो फंक्शनेबल, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा, तो पहले उसे तो भरवा दो, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन सब क्लासिफिकेशन की बात कर लेना। लेकिन ये EWS में भी क्लासिफिकेशन कर दो, क्या सारी तुम्हारा सबको सारे तीर हमारे खिलाफ चलते हैं, हमारे सीने पे चलते हैं? लेकिन हमारा सीना फौलाद का सीना है, हम लोग तो मजदूर तबके से निकल के आए, हजारों साल की गुलामी झेली है, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, जो तुम कर रहे हो तुम्हें काटना पड़ेगा, कोई बड़ी से बड़ी कुर्सी बड़ी से बड़ी सत्ता तुम्हें बचा नहीं पाएगी। केंद्र की सरकार को ललकार रहा हूं हम सबके सामने, कैमरे के सामने, केंद्रीय सरकार के अंदर अगर ताकत है तो जाति जनगणना आर्थिक सर्वे करके दिखा दे, और वो ये भी सर्वे करके दिखा दे किस किस जाति को कितना कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है किस किस तरह की नौकरी में, और ये भी सर्वे करके दिखा दे देश के प्राकृतिक संसाधन जल जंगल जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ उसके 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 अंदर हिस्सेदारी भागीदारी दलित पिछड़े आदिवासी की कितनी है और वो 10-12% की कितनी है, सारे आंकड़े ले दो करके दिखाओ, जाति जनगणना आर्थिक सर्वे करके दिखाओ, पता तो चले किसके हिस्से में गया किसकी जनसंख्या कितनी है उसे मिल कितना गया, उसके बाद आगे कर लेना सब क्लासिफिकेशन। हम भी तैयार हैं, हम भी चाहते हैं कि कोई पीछे ना रहे, सब सब साथ मिलकर आगे बढ़े। लेकिन ऐसे केवल ये इस तरह के जजमेंट करवा के, मैं कहूँगा करवा के, चूंकि ये जुडिशियस जजमेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड नजर नहीं आ रहा, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, जैसा डॉक्टर रतन लाल जी तो आस्था के ऊपर है, जैसा बाबरी मस्जिद वाला मेटल वो आस्था के ऊपर एविडेंस के ऊपर तो था नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जब आस्था के आधार पर जजमेंट करेंगे, जैसा मैं अभी पीछे कह रहा था बाहर एक ऐसा केस मैंने देखा जिसमें दलित महिला का बलात्कार हुआ और हाईकोर्ट के जज ने उस केस में अपराधी को यह कह के आरोप मुक्त कर दिया, बरी कर दिया कि कोई अपर कास्ट स्वर्ण जाति का आदमी अछूत के साथ दलित के साथ रेप कर नहीं सकता, ये झूठा आरोप है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जजों को, मुझे शर्म आती है वो जज का, किसने बना दिया ऐसे लोगों को जज, दादा जज बाप जज बेटा जज, ये क्लासिफिकेशन यहां भी कर दो कि एक परिवार से एक आ गया तो दोबारा दूसरा नहीं आएगा, वहां 250-300 परिवार ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते जा रहे, तो ये दो तरह की नीति चलने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ऑफ प्रोटोकॉल में जेल में डाल सकते हो, हमें ये जेल में से नहीं करते, हम अपने दलित पिछड़ा आदिवासी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, हम डरने वाले लोग नहीं है। कंटेंट ऑफ प्रोटोकॉल को 6 महीने 6-7 साल तुम 6 साल जेल में रख दो, आप हमें जेल में रख सकते हो, हमें गोली समा सकते हो, हमारे विचार को नहीं मार सकते, हमारा विचार जिंदा भी रहेगा आगे भी बढ़ेगा, आज नहीं तो कल ऐसे जातिवादी लोगों को सबक सिखाया जाएगा। दिमाग से हम भी बुद्धि से लड़ेंगे, तुम बुद्धि से तक जीत आए हो, अब हम भी बुद्धि से लड़ेंगे, हम किसी भी सूरत में दलित पिछड़ा आदिवासियों की ये बंटवारा स्वीकार नहीं कर सकते, हमें एकजुट होकर लड़ना है, किसी बहकावे में नहीं आना है और इनका पर्दाफाश करना है, क्योंकि कुछ लोग हमारे खुश हो रहे हैं ना, बहुत अच्छा जजमेंट है, अब हमें कुछ मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, क्या पेमेंट ना होगा, सर्वे है क्या, डाटा है क्या, किसी कितनी जनसंख्या है, ये सारा सामने लाने में नानी मर जाएगी केंद्र की सरकार के राज्य सरकारों की करके तो उठा, सच्चाई कुछ हो रहा है, सच्चाई है ये आपको लोग देने नहीं चाहते, ये उठा कर रखना चाहते हैं ताकि आप अपने हक की बात ना कर सको, अपना हिस्सा ना मान सको, ताकि आप विकास और प्रोग्रेस के बारे में डेवलपमेंट के बारे में ना सोच सको, सरकार से अपने असल मुद्दों पर ना लड़ सको, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, आपको कभी बाबा साहब की प्रतिमा हटाएंगे उसमें लड़वा देंगे, कभी एट्रोसिटी एक्ट को डायल्यूट करेंगे उसमें लटका देंगे, कभी रविदास गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ेंगे उसमें लटका देंगे, मतलब हम अपनी सारी एनर्जी एक एक मुद्दा एक एक साल में उसमें लगाते रहे और सारा देश का माल ये लूट के खाते रहे, ये लूट के खाते रहे, दो तो केवल पूंजीपति पूरे दुनिया में सबसे अमीर बना दिए, तुम्हारा यही एजेंडा बस, अरे बाकी जो दलित पिछड़ा आदिवासी उनके हिस्से में क्या आया, देश तो तरक्की तब करेगा ना जब देश सब लोग तरक्की करेंगे, दो आदमी तरक्की कर लें 1% लोग तरक्की कर लें 98% बिल्कुल बेकार हो जाए, तो देश तो गर्भ में जा रहा है, और ये जो कह रहे हैं ना विश्व स्कूल बन रहे, विश्व स्कूल कुर्सी बन रहे,
ये गुणवंटास बना रहे हैं देश को, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा? हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, आसान रहिए। और मैं रतन लाल जी को कहना चाहता हूँ, आप भी निराश मत होइए, अपनी बात कहते रहिए। हम लोग न्याय के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उतार चढ़ाव आएंगे, इस तरह के मुद्दे आएंगे, कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन हम लोग बिना निराश हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।